इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट हमारी बनाई जा रही है, उसमें तकरीबन 2,30,00,000 रुपए लगेंगे और इसमें 12 बेड होंगे। हर एक बेड पे ऑक्सीजन विद सक्शन मशीन, विद पल्स ऑक्सीमीटर और वेंटिलेटर, और इसके साथ में कार्डियक जो मॉनिटर है वो भी लगे होंगे और डिफिब्रिलेटर भी लगे होंगे। कहने का मतलब है कि जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ें एक इमरजेंसी में इंसान को बचा सकती है वो सभी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। सर, जो कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो पॉजिटिव केस आते हैं वो 3 दिन बाद नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसा क्या हॉस्पिटल में किस तरह का उपचार दिया जाता है, और अगर उस प्रोसेस को लेकर के हम थोड़ी चर्चा हमारे दर्शकों से करें, क्योंकि लगातार जो पहले भी उसको लेकर के, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के हमने जो हेडक्वार्टर से जो डॉक्टर जितेंद्र ग्रेवाल जी आए थे उनकी बात भी हमसे आप मिलवाया था दर्शकों से, लेकिन फिर भी आप जो कमेंट में जो प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे दर्शक उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। अभी जिस तरह इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जो कि 0 से 1 दिन से लेकर के 14 दिन तक का है, यदि कोई 7वें या 8वें दिन आता है और वो पॉजिटिव आता है तो नेचुरल इम्यूनिटी से वो 14 दिन तक यानी कि 3 या 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर उसके बाद हम 10 दिन के बाद अगर उसका सैंपल लेंगे तो निश्चित रूप से वो नेगेटिव आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसा इलाज किया है या ऐसी कोई बात नई बात हुई है वो नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव वो RT-PCR से आएगा। RT-PCR एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 100% एक्यूरेसी होती है, और जो ट्रीटमेंट का पार्ट आता है वहाँ डॉक्टर्स अपना जो ट्रीटमेंट वायरल लोड देख करके उसका वो ट्रीटमेंट हर एक अलग अलग इंसान को अलग अलग दिया जाता है, कभी एक साथ ट्रीटमेंट नहीं होता है। और उसमें निश्चित रूप से अगर कोई यंग है या 20 से 25 साल का या 30 साल का युवा है उसको दवा का जल्दी असर होगा, और अगर बुजुर्ग है, को मॉर्बिडिटी है इसके साथ में यानी कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या अन्य सांस की बीमारियां उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उसको असर आने में टाइम लगेगा और हो सकता है कि उसको निमोनिया भी हो जाए। सर, ये वरुण मकानी हैं हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई पर्सन बाहर से ट्रैवल करके सिरसा में आता है तो क्या वो सिविल हॉस्पिटल में पहले आकर के टेस्ट करवाए, इमीडिएट क्या करें? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। किसी भी बाहर के ट्रैवलर को सीधा सिविल हॉस्पिटल में आना चाहिए, 47 नंबर कमरे में उसका सैंपल लिया जाएगा और सैंपल की रिपोर्ट 1 दिन के अंदर आ जाती है, और उसके बाद उसको हम उसको घर भेजेंगे। यदि वो 1 दिन हमारे पास रह लेगा तो कहीं कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर जाके समाज में रहता है तो कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और एक लंबा चौड़ा अमला जो सरकार का होता है उसकी एक अनावश्यक एक्सरसाइज हो जाती है। यदि आपके जो दर्शक हैं वो इतने सतर्क और सजग हैं कि वो सीधे आते हैं हमारे पास में, तो इसका बड़ा ही पॉजिटिव सकारात्मक असर होगा। सर, जय सोनी पूछ रहे हैं कि अगर कंटेनमेंट है 30 दिन का बनता है, अगर 20 दिन का कर दिया जाए तो उसको लेकर के क्या स्वास्थ्य विभाग 20-30 दिन तक रिकवरी कर पाएगा? ये ICMR की गाइडलाइन है, रिकवरी का खाली उस पेशेंट की रिकवरी से संबंधित नहीं है। मरीज हो सकता है 10 दिन बाद ठीक हो गया, वहीं उसी कंटेनमेंट जोन में चला गया, लेकिन जो जिन लोगों से मिला है उनके अंदर जो 14 दिन के अंदर असर आना है कि किस किस के कब कब मिला है, तो उनको बचाने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, ना कि इसका कोई दिन का कोई फिक्स है। और ये जो गाइडलाइन होती है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से बनाई जाती है, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ICMR को फॉलो करता है। सर, अभिनव शर्मा हैं जो ये महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा है कि ग्लेनमार्क ने जो फेवी फ्लू नाम से कोई दवाई लॉन्च की है, क्या वो कामयाब है, क्या इससे कोविड की दवाई माना जाए, या ये कब तक हॉस्पिटल में आ सकती है, इस तरह से कुछ सवाल पूछा है इसको लेकर भी, खास करके वो इस जो वैक्सीन को लेकर भी कुछ कहा है कि डॉक्टर के जो है पर ही लेना चाहिए या फेवी फ्लू के बारे में जरूर थोड़ा सा जानकारी करवाना। अब वो फेवी फ्लू एक अलग चीज़ है, वैक्सीन एक अलग चीज़ है। फेवी फ्लू का अभी ट्रायल हुआ है
और उसको अप्रूव WHO जब करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उनको ज़रूर खरीदेगी, और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में सेंट्रलाइज के ऊपर होकर के हमारे जो स्टोरेज हैं वहाँ पे ये उपलब्ध हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो इसका कम्पिटिटिव पार्ट हमारे पास में टैमीफ्लू है, और टैमीफ्लू से अगर हम आगे जाएं तो रिटोनावीर है। तो इस तरह की कई दवाइयाँ हैं जो इसी ग्रुप की लाइन की है, वो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है और हम मरीजों के साथ में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन के अभी ट्रायल चल रहे हैं, वैक्सीन के ट्रायल अभी पुख्ता नहीं हुए हैं, और जब वैक्सीन के ट्रायल पुख्ता हो जाएंगे निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको शुरू करेगी। सुनील रूडी पूछ रहे हैं, सबसे पहले आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का धन्यवाद कर रहे हैं, और महामारी के दौरान पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट दिन रात अपनी सेवा में लगा हुआ है। इसके साथ उन्होंने सवाल पूछा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट पर एक कोविड मरीज ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, कितना सही था? क्या हरियाणा सरकार, भारत सरकार एक कोरोना मरीज के लिए गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स को फंड दिया जाता है? अगर दिया जाता है तो किस तरह से, क्या है पूरे सिरसा ज़िले में से कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा है, और या ये भी पूछा है इसके साथ कि कोरोना उन मरीजों के घर वालों को क्यों नहीं हुआ? हौसला अफजाई के लिए सुनील रूडी का धन्यवाद। और जहाँ तक बात है फंड की, ऐसा कोई फंड हमारे पास में अलग से नहीं आता, और जो दवाइयाँ हमारे पास में आती है, हमारा जो रीजनल सेंटर स्टोर है जो कि हिसार में बना हुआ है वहाँ से आती है, और वहाँ पे HMCL जो है वो हमारे दवाइयों को प्रोवाइड कराता है, अलग से कोई बजट नहीं होता। और यहाँ से जो सैंपल है वो अब मेडिकल कॉलेज अग्रवा जा रहे हैं, पहले रोहतक और हिसार जाया करते थे, तो वहाँ की जो रिपोर्ट है वो ICMR के रजिस्ट्रेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को भी जाती है और हमें भी आती है, उसमें आप और मैं कोई बदलाव नहीं कर सकते। और अलग से जहाँ तक खाने पीने की सवाल है, वो खाना पीना हमारे दान दाताओं की वजह से हमारे यहाँ लंगर चलता है, लंगर से खाना उपलब्ध करवाया जाता है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जो चार टाइम जो चीज़ें दी जाती हैं। और जहाँ तक आरोप और प्रत्यारोप की बात है, वो हरेक के मन की बात है, वो जो जैसा सोचता है, जो आदमी जैसा होता है उसको सभी आदमी वैसे ही दिखते हैं और वो वैसे ही आरोप लगाता है। उमिशा बैद हैं जो पूछ रही हैं कि मेरा सवाल आपसे है कि कोरोना पेशेंट्स है वो 3 दिन में ठीक क्यों हो जाता है, जिसका जवाब आपने दे भी दिया पहले। और दूसरा, गुड़गांव, दिल्ली और मुंबई से जो पेशेंट्स यहाँ बुलाए जा रहे हैं, पे उन्होंने कहा कि ये क्या ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों जो बड़े जो हॉटस्पॉट इलाका है वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं जैसे सेफ जोन में क्यों आ रहे हैं या बुलाए जा रहे हैं? वो बुलाए नहीं जा रहे हैं। अब यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे फंस गया है या वो वहाँ पे रह रहा था और लॉकडाउन की वजह से यहाँ नहीं आ पाया और यहाँ के लोग उसको लेने को तैयार भी नहीं थे, अब वो यहाँ से यहाँ अगर दिल्ली और या हॉट जोन से यहाँ आता है सिरसा में या आसपास के ज़िलों में, तो हमारी सरकार का गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि किसी को मना नहीं करना, सबको हम वेलकम करते हैं, हम इंसान को एक इंसान के रूप में मानते हैं, और उसका ट्रीटमेंट है या डायग्नोसिस के लिए सैंपलिंग है वो हम करते हैं। तो इसमें यहाँ पे बुलाने जैसा कोई सवाल नहीं है, लोग अपने आप आ रहे हैं और जिसका जो यहाँ पर ठिकाना है उसने यहाँ एक दिन आ ही जाना है। सर, JP गुदारा है चौटाला से जो पूछ रहे हैं कि रक्तदान क्षेत्र में ब्लड बैंक को कब खोल दिया जाएगा जी, और कंपोनेंट मशीन को लेकर के ब्लड बैंक में जल्द प्लीटनेट स्थापित मशीन कब होगी, और उन्होंने लिखा है कि VBD मिशन 2020 सिरसा जनता यूथ क्लब चौटाला सिरसा जिले के सभी समाजसेवी संस्थाओं द्वारा रक्त शिविर ब्रिगेड तैयार है। ब्लड बैंक को लेकर के सवाल किया कि कब तक खोला जाएगा। JP गुदारा जी एक समाजसेवी है और जो ब्लड के अंदर उनका एक बड़ा भारी योगदान रहता है, उनके क्लब का बार बार मैं धन्यवाद करता भी रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ हमारे यहाँ कंपोनेंट सेपरेशन की बात है, मशीनें हैं लेकिन जल्दी ही लॉकडाउन की वजह से इंजीनियर्स नहीं आ पा रहे हैं, वो आकर के उसको एस्टेब्लिश करेंगे। और बाकी जहाँ कंपोनेंट की ज़रूरत है तो डेरा के अंदर कंपोनेंट सभी उपलब्ध हैं, और यहाँ के जो शिव शक्ति ब्लड बैंक है यहाँ पे सारे कंपोनेंट उपलब्ध है। ब्लड के मामले में सिरसा जिला काफ़ी जिलों से आगे हैं, क्योंकि उसमें आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, आप जैसे अन्य क्लब भी
हर वक्त सहायता को तत्पर रहते हैं। इस कोरोना के दौरान हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रक्तदान करने की अनुमति दी है और आज की डेट में मैं आपको गर्व से कह सकता हूं कि आप लोगों की वजह से हमारे यहां पे ब्लड की कोई कमी नहीं है, सभी ग्रुप उपलब्ध हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप एक काल पे तैयार हैं, ये हमें मालूम है। सर आदित्य प्रताप सिंह ने हैं वो लिख रहे हैं कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री ना होने पर भी अगर घर पे भी किसी सिम्टम महसूस हो रहे हैं किसी को तो वो उस पोजिशन में क्या करें? निश्चित रूप से हमारी फ्लू क्लिनिक जो 24 घंटे चलती है, फ्लू क्लिनिक में दिखाए हमारे डॉक्टर्स 24 घंटे इस चीज़ के लिए तैयार हैं और फ्लू क्लिनिक में अगर लगेगा डॉक्टर को कि उसकी सैंपलिंग कराई जानी चाहिए तो सैंपलिंग कराई जाएगी, अन्यथा हर एक इंसान की सैंपलिंग नहीं करवाई जाती। जब ज़रूरी होगी तो हमारे डॉक्टर्स अपने आप उनको देख करके आगे की सलाह देंगे और उस सलाह का आप पालन करें। ये एक सतर्क और सजग व्यक्ति का प्रश्न है और सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सिम्टम है तो वो जरूर अस्पताल में आए। विनोद नीलम मेहता हैं जो पूछ रहे हैं कि एक न्यूज छपी थी जिसमें से दिखाया गया था कि 30,000 केस हो जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहे हैं? ये एक ऐप का जो वर्जन है कि 30,000 केस हो जाएंगे, लेकिन चूंकि हमारा जिला बड़ा सजग है और यहाँ के लोग हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं, वो सीधे आजकल हमारे पास में, पीछे भी हमने देखा है कि अगर बाहर से आएँ तो सीधा स्वास्थ्य विभाग में आएँ और यहाँ आकर के अपने कि उन्होंने जांच कराई है, जांच के उपरांत यदि वो पॉजिटिव निकले हैं तो उनको यहीं कंटेन कर लिया गया। जिस तरह अपने महाराष्ट्र से श्रद्धालु आए थे, सिख श्रद्धालु आए थे, उनको हमने एक अपने कॉलेज के अंदर डबली के अंदर उनको एक कंटेन कर लिया था और उनमें से दो पॉजिटिव आए तो अलग से हमें कंटेनमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस तरह सोशल स्प्रेड को बचाने के लिए सभी लोग सहायता कर रहे हैं और सभी लोगों को सहायता करने से ही हम कोरोना को रोक पाएंगे। दीक्षित शर्मा लिख रहे हैं कि कोविड 19 के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है, ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है और फेवी फरी फरी समझ में नहीं आ रहा कुछ लिख रहे हैं। और चलो दूसरा कमेंट में पढ़ लेता हूँ कि जितेंद्र चौधरी लिखते हैं कि कितनी लंबी ये महामारी चलने के आसार हैं सर, इस तरह से ये आसार लगा रहे हैं। ये सभी नागरिक तो नागरिकों पे डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी लंबी चलेगी। अगर हम एक साथ सभी सतर्क और सजग हो जाएं तो ये जल्दी ख़त्म हो सकती है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का हम खुद पालन करें, बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, अगर इसका हम ध्यान रखेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यदि हम खुद ही अनावश्यक रूप से बाज़ारों में घूमेंगे और इस बीमारी को अपने अंदर समाज के अंदर रखेंगे तो उतनी ये लंबी चलती जाएगी। सर नवीन रुपाणा लिख रहे हैं कि इस परिस्थिति में क्या फाइनल ईयर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लेना आपकी राय में कितना जायज़ है? जहाँ तक मेरी निजी राय है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्ज़ाम लिए जाएं, क्योंकि अध्ययन और पढ़ाई भी एक जीवन का प्रमुख अंग है, इसे भी संपूर्ण होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की वजह से बीमारी लंबी खिंच जाए। अजय माथुरा जी लिखते हैं कि मास्क से कोरोना से बचाव पॉसिबल है क्या, कितने प्रतिशत बचने की संभावना है मास्क से, मास्क को लेकर के कुछ कहा है? मैं आपको बताऊं कि मास्क से 99% बचाव की उम्मीद है। मास्क अगर चेहरे पे लगा होगा, अगर हम कहीं किसी सरफेस को छू लेते हैं, जब तक अगर हमारा सीधा नाक पे हाथ चला जाता है, मास्क लगा हुआ तो हमारा प्रिवेंट हो जाएगा ना, और यदि मास्क नहीं लगा हुआ सीधा नाक पे लगेगा और हमारे श्वसन प्रक्रिया के अंदर मास्क वायरस चला जाएगा। तो उसमें मास्क एक बड़ा प्रिवेंटिव चीज़ है कि डेली इंसान मास्क को लगाए, अपने मास्क को अगर कपड़े का मास्क है तो धो लें और डिस्पोजेबल है तो उनको मास्क को उतार करके पलट के रिवर्स साइड से और उसको डिस्पोज ऑफ करें। मास्क का एक महत्वपूर्ण अंग है और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर ये हम सभी करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो जाए। वरुण मकानी लिख रहे हैं कि अगर कोई बाहर से ट्रैवल करते हैं तो क्या उन्हें सिर्फ होम क्वारंटाइन होना है या सिविल हॉस्पिटल में जा कर टेस्ट? नहीं, बाहर से जो आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में आकर के अपनी जाँच कराए, इनमें उनका फ़ायदा, उनके परिवार का फ़ायदा और समाज का फ़ायदा। सर
जेपी को द्वारा फिर लिख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव को लेकर के क्यों ना हॉस्पिटल की तरफ से टीमें बने ताकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो स्वास्थ्य की जांच वो कर सके। बाहर से जो लोग सिरसा जिला में आते हैं तो 14 नाके लगे हुए हैं, 14 नाकों के ऊपर हमारी टीमें तैनात हैं। लेकिन ये तो इंसान को खुद सोचना है जब वो अपनी पर्सनल गाड़ी से आता है कि मैं हॉट जोन से आया हूँ। देखिए आज का वक्त है जिसमें इंसान को अपने को दिखाना है कि मैं भी जिम्मेवार नागरिक हूँ, मैं कोरोना को रोकना चाहता हूँ। ये बात खुद नागरिक करें, सिर्फ सरकार या स्वास्थ्य विभाग ही ना करें, ये सभी हम मिलकर करेंगे तो ही कोरोना खत्म होगा। सर एडवोकेट पुनीत छाबड़ा जो लिख रहे हैं, अच्छा काफ़ी अच्छा प्रश्न है उनका, पूछ रहे हैं जो घर में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से जो है इससे बचाव तक कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे? जो लोग घर में रह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का वो भी ध्यान रखें, अगर उनको कोई फ्लू लाइक सिम्टम है तो तुरंत फ्लू क्लिनिक में आए और वहाँ पे डॉक्टर की सलाह लें, और घर में जो चीज़ें बाहर से आती हैं उनको आप सैनिटाइज करें। अब जिस तरह कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सब्जी के अंदर क्या करें, सब्जी के अंदर सैनिटाइजर डालें, बिल्कुल नहीं। बाहर से जो सब्जियां आती हैं उनको आप पानी के अंदर अच्छी तरह से धो लें और धोने के उपरांत अपने हाथों को साफ कर लें। जब आप सब्जी काटें, काटने के बाद जब उसमें चढ़ाते हैं चूल्हे पे पकने के लिए, उसके बाद भी अपने हाथों को धो दें। अपने हाथों को बार बार अगर आप धोते रहेंगे तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। ये भी एक मुख्य अंग है जो हम घर के अंदर रहने के दौरान भी इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं। सर प्रिंस जो योगेश मेहता हैं लिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर के हैं, मजदूर हो या कोई और, जो खाना घर नहीं बनाते, बाहर से ला करके खाना खाते हैं ढाबे से या और कहीं और पे, तो बाहर का खाना खाने में कोई प्रॉब्लम है या खाने में कितने देर तक ये इस तरह का वायरस है वो रह सकता है? बाहर का खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर का खाना कोई लेके आ रहा है उसके हाथों में कोरोना है, उसको आपने देखना है। हाथ धोना और 21 सेकंड तक हाथ धोना, ये ही एक प्रक्रिया है जो आपको बाहर से जो खाना लेके आ रहा है उसके अंदर यदि कोरोना है तो आप उससे बच सकते हैं। काफ़ी लोग जो आपको बधाई दे रहे हैं, काफ़ी जो लोग जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे ज़िले में काम कर रही है, काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी लोगों के इसमें मैसेज भी आए हैं, चाहे मैं इस पर पढ़ूँ, रणदीप सिंह भट्टी हैं उन्होंने लिखा है, जितेंद्र चौधरी जी ने लिखा है, दीक्षित शर्मा है उन्होंने लिखा है, और काफ़ी लोगों ने आपकी टीम को बधाई दी, आप उनको भी मैसेज दें। मैं सभी का बड़ा भारी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं और भी ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा यदि वो अपने साथ जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको इस बीमारी के बारे में सतर्क करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बार बार हाथ धोना, इन चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। उनके कोई रिश्तेदार या जानकार बाहर से आते हैं तो कृपया करके वो सीधा सिविल हॉस्पिटल में आएँ और 47 नंबर कमरे में हमारी यहाँ पर जाँच होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सिविल हॉस्पिटल सिरसा में जाँच होती है, मंडी डबवाली में जांच हो रही है, कालावाली में जांच हो रही है, एलनाबाद में जांच हो रही है, माधो सिंघाना में जांच हो रही है, चोपटा में जांच हो रही है, 6 की 6 जगह पे वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स ट्रेंड हैं और जांच करते हैं। आप वहाँ पे जाकर के अपना टेस्ट कराएं और अपने आपको भी बचाएं, अपने समाज को बचाएं और अपने सिरसा को बचाएं। जब सिरसा स्वस्थ होगा तो सारा हरियाणा स्वस्थ होगा और वो दिन दूर नहीं कि हम सबसे आगे एज ए शिक्षित समाज, एज ए पढ़े लिखे लोग, एज ए जागरूक समाज के रूप में हमारे हरियाणा का नाम पूरे हिंदुस्तान में आएगा और विश्व में आएगा। वो दिन दूर नहीं है कि हम जल्द ही इस कोरोना पे विजय पा सकते हैं और आपस में मिलकर के अपने आप को एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।